ये पीयू विनाइल शीट है। फिर इसको निकाल के प्रेस कर लो। हाँ, इसको निकाल कर आप हीट प्रेस से प्रेस कर लीजिए। कोई भी कपड़े में लग जाएगा, चाहे कॉटन हो या जूट बैग हो, किसी में भी लग जाएगा। हाँ, सब में लग जाएगा। ये जो प्रिंटिंग आपका, ये यूवी प्रिंटिंग है क्या? नहीं, यूवी नहीं है सर, यूवी अलग मशीन होता है। अच्छा, ये विदाउट यूवी फ्लैट है। यूवी है आपके पास? हाँ, यूवी भी है। क्या बोलते हैं इसको? आप डिजिटल प्रिंटिंग बोल सकते हैं। और ये सिर्फ पेपर पे प्रिंट होगा, फिर ट्रांसफर होगा? हाँ जी, डायरेक्ट। नहीं नहीं, डायरेक्ट कपड़े पे। अगर हम लोग, हाँ जी, एक पूरा मीटर प्रिंट कर रहे हैं। हाँ, आपका क्या हेड, क्या मटेरियल, क्या बेड जो है, क्या साइज है? ये आप टोटल इसमें 30 इंची तक आप प्रिंट कर सकते हैं। ये आप 20 इंची का पेपर लगा हुआ है। और अगर एक पूरा मीटर प्रिंट करें तो क्या कॉस्टिंग पड़ता है? पूरा मीटर में आपको डिपेंड करेगा कि कितना पीसेस आप डाल रहे हैं। इसमें आप एक स्क्वायर इंची 30 पैसा का कॉस्टिंग आए। कितना? 30 पैसा स्क्वायर इंच। 30 पैसा। ये आपका ऐसे हो जाएगा। डिजिटल प्रिंट भी इसमें हो जाएगा? हाँ सर, पहले प्रिंटिंग होगा, उसके बाद प्लॉटर से कट जाएगा। कितने का है ये सर? 7 लाख रुपये। इसमें क्या, ये डिजिटल प्रिंटिंग है ना? हाँ, डिजिटल प्रिंटिंग। सीट का जो अपने मोटा मिनिमम एक इसमें कुछ कम का नहीं आता, छोटा मशीन को? नहीं, ये मॉडल में ये सबसे छोटा है। इसमें किसका कितना कैपेसिटी है इसका? इसका 30 इंची का कैपेसिटी। रोल तो फिक्स आता होगा 20 इंची का? 20 इंची का आता है, 40 इंची का आता है, 23 इंची का आता है। ये 20 इंची सब लोग स्टैंडर्ड चलाते हैं, क्योंकि इसमें आपका तो इतना बड़ा मशीन का पर्पस 30 इंची देता है कि पकड़ लीजिए कोई 25 इंची का रोल लगा दिया, उसका ऐसा डिज़ाइन है कि 25 इंची रोल में उसका कॉस्टिंग बैठ जाएगा, तो 25 इंची लगाते, नहीं तो 20 इंची नॉर्मली सब लोग लगाते। ये प्रिंटिंग का गारंटी रहता है? हाँ जी। हाँ, हाँ जी। आप लोग के पास वो भी प्रिंटर है क्या? क्या जो अपने को उसको चाहिए फिल्म निकालने के लिए? DTF। क्या पता नहीं होता वो एक्चुअली, उसमें आपका एप्सन का जो आता है? नहीं, एप्सन अलग ब्रांड हो गया सर, ये मीमा की हो गया। हम एप्सन का पूछ रहे थे, वही मतलब उसी टाइप का जो आप। DTF तो एप्सन का नहीं है सर, DTF तो चाइनीज का होता है। तो फिर हम कुछ समझ में, जैसे अपने जैसे स्क्रीन बनाने के टाइम पे अपने को वो क्या बोलते हैं कलर सेपरेट करके फिल्म निकालते हैं ना, वो सर अलग चीज़ हो गया। वो आपका स्क्रीन प्रिंटिंग का फिल्म बनाने का बोल रहे तो वो अलग चीज़ हो गया सर। देखिए, सिंगल पीस लेना है तो मशीन का ही है, जैसे कि आजकल पर्सनलाइज हो जाता है ना, हर पीस में नाम वाम आ गया वैसे। ये कर सकते हैं आप, कंप्यूटर में डिज़ाइन बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, आपका JPEG फाइल होने से हो जाएगा। कुछ भी बना लीजिए, उसको फोटोशॉप में एडिट कर लीजिए थोड़ा बहुत, और कटिंग के लिए आपको कोरालो से कटिंग का मार्क देना होगा, तो ईजी है, कोरालो से कटिंग मार्क कर लीजिए। फिर जैसे इसको कोरालो से जब भी मुझको रास्टर लिंक पर आप ट्रांसफ़र करेंगे, UPS फाइल हो जाता है। UPS फाइल होने से क्या है, मेरा जो सॉफ्टवेयर EPS फाइल सपोर्ट करता है, उसमें खोलिए, इसमें प्रिंट कर लीजिए। अच्छा, और ये आपका इसी पे होता है, कॉटन पे नहीं होगा? नहीं मैम, कॉटन पे नहीं होगा मैडम, कॉटन के लिए पिगमेंट इंक होता है। अच्छा। ये सॉल्वेंट है ना? सॉल्वेंट।